दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो है डे 6 है, जिसका आपको पता ही है आप लोगों को कि MABR, MABP और डीजल मैकेनिक के जो है सीरीज चल रहे हैं डे के अनुसार, है ना। तो मैंने 5 डे तक जो है टॉपिक को कवर करा चुका हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद आज का जो हमारा डे 6 है वो वाली वीडियो देखें। तो आज दोस्तों, जो हमारे बुक के अंदर जो है एक टॉपिक है लिफ्टिंग उपकरणों का सुरक्षित संचालन एवं सामयिक परीक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक मैंने लिया, सड़क पर चलने एवं सड़क पर वाहन परीक्षण की अनुमति, ठीक है। ये दो टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर वाली टॉपिक को देखते हैं, लिफ्टिंग उपकरण। लिफ्टिंग उपकरणों का कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी आप लोग देखते होंगे कंपनी हो या ITI के अंदर, तो बहुत कम होते, ज़्यादातर कंपनी या फिर फैक्ट्रियों में ये देखने को मिलता है। दोस्तों, जो कुछ भी उपकरण होती है ना हमारे, लिफ्टिंग उपकरण, जो लिफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर चढ़ाना, है ना, ऊपर। जैसे कि आप लोग लिफ्ट में कभी गए होंगे तो लिफ्ट का क्या है, कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाना। आपकी जो जैक हैं, जो भी लिफ्टिंग उपकरण है या फिर लिफ्टिंग क्रेन है, ये सारे जो है लिफ्टिंग इक्विपमेंट आते हैं, उपकरण है ये सारे, ठीक है। तो इसी को जो है हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से क्या करना है दोस्तों, सुरक्षित संचालन एवं सामयिक परीक्षण करना है। यानी कि जो कुछ भी इसके अंदर दिक्कतें आती हैं, उससे कैसे बचे, उसको कैसे जो है मेंटेनेंस करें, इसके बारे में ये टॉपिक है। तो दोस्तों, जो भी आप लोगों को पता है कि ITI या जो भी कंपनी हमारे अंदर, जितने भी जो हम लिफ्टिंग उपकरणों का यूज़ करते हैं ना, या तो दोस्तों वो हाइड्रोलिक होते हैं या तो वो मैकेनिकल होते हैं, इससे जो है वो चलते हैं ना, मैकेनिकल मेथड के अनुसार या तो हाइड्रोलिक मेथड के अनुसार, ये दो मेथड के अनुसार चलते हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग जो है नियमित रूप से इसका यूज़ करते रहते हैं, तो इसके जो कुछ पार्ट हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है। या फिर जो है इसके जो ऑयल वगैरह होते हैं, जो रिसाव होने लगते हैं, यानी कि वो बहने लगता है, ठीक है। मतलब गैस लीक जिसे कहते हैं ना, उसी तरीके से इसके जो ऑयल है ये लीक होने लगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, उस वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये टॉपिक के अंदर, कि हम इसको किस तरीके से जो है इसका सुरक्षित रूप से जो है निस्तारण करें, ठीक है ना, इसका यूज़ करें। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है ना दोस्तों, जो आपके इक्विपमेंट हैं लिफ्टिंग उपकरण, जैसे कि जैक भी आपने देखा होगा, और भी कई सारी जो लिफ्टिंग क्रेन है आपके MABR में होंगी, लिफ्टिंग क्रेन वगैरह, जो कि जो कार होती है उसको जो भारी मेजर डेंट आ जाता है तो उसको उठाने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो उसका देख लें। या और भी कई सारी जितनी भी इक्विपमेंट हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको विभिन्न तरीके के जो है लिफ्टिंग उपकरण मिल जाएंगे, ठीक है ना। या फिर कोई भी माल जो होता है, आपने देखा होगा कि माल पहुंचाने के लिए अगर भारी वजन है तो उसको ले जाने के लिए भी उपकरण की ज़रूरत होगी, आपने क्रेन के हिसाब से देखा होगा। और बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है ये चीज़ें होते हैं कि बहुत भारी भारी सामान होता है तो उसको उठाने के लिए क्रेन होता है, छोटा सा आपने देखा ही होगा, है ना, तो उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वही है लिफ्टिंग उपकरण, ठीक है। अब इसको जो मेंटेन हम कैसे करें, देखिए ये तो रेगुलर जो है काम आने वाले होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है इसके अंदर तो रेगुलर इसका काम होता है। तो क्या होता है, उसके जो पार्ट होती हैं, जो शाफ्ट होती है ना, वो घिस जाती हैं, जैसे जैक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ियों के, ठीक है, टायर को उठाने के लिए, तो ज़्यादातर चीज़ें हैं ये घिस जाती हैं, इसके शाफ्ट वगैरह घिस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, फिर अचानक से जैसे ही इसको ओवरलोड होता है तो भाई टूट जाते हैं ना। तो इन सब से जैसे ऑयल वगैरह है, ये जो है उसका रिसाव होने लगा, वो गिरने लगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है, जैसे किसी ने स्मोक किया और वो नीचे लगते आग पकड़ लेता है ना। तो इन सब चीज़ें से हमें कैसे निपटारा पाना है, उसका यहाँ पर मैंने एक टॉपिक है, देखिए यहाँ पर है, सभी उपकरणों की सामयिक रूप से जाँच करें। यानी जो भी आप लोग लिफ्टिंग उपकरण यानी लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसको रेगुलर जो है उसको चेक करें, जब भी काम करने से पहले ना उसको चेकआउट करें कि इसके अंदर सारा कुछ सही है, जंग वंग तो नहीं लगा, ये सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको जो है अच्छे तरीके से हमें रेगुलर चेक करना चाहिए। जो भी जैसे मान लीजिए जैक है, तो जैक को क्या करना है हमें, सबसे पहले उसको जब भी हम उसको यूज़ करें तो सबसे पहले हर एक चीज़ देख लें उसको, ठीक है ना, उसकी शाफ्ट सही है नहीं है, जंग वंग तो नहीं लगा काफ़ी दिनों से, ठीक है, उसको पहले चेक करें, ठीक है। उसके बाद है, ज़्यादा प्रयोग होने वाले उपकरण नियमित रूप से मरम्मत करें। जो भी आप लोग जो है नियमित रूप से लिफ्टिंग उपकरण का यूज़ करें, चाहे वो क्रेन है या फिर आपका हाइड्रोलिक जैक है, और भी जो भी मल्टीपल जैक होती हैं, ठीक है, मैनुअली जैक होती है, उन सबको हमेशा ऑयलिंग करते रहें, ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगते रहे, उनके हर चीज़ को चेकआउट करते रहें कि कोई चीज़ टूट तो नहीं गया, इसके जो है शाफ्ट सही है या नहीं, वो चीज़ें जो है जो रेगुलर जो है ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं उसको चेकआउट करते रहें। क्षतिग्रस्त उपकरणों की तत्काल ही बदले।
आपने देखा कि उसके जो है ऑयल ऑयलिंग हो रही है ना, ऑयल मतलब रिसाव हो रहा है या फिर साफ टूटे हैं या फिर टूटने वाला है, तो उसको जो है यूज़ ना किया करें, ठीक है। कई सारे बच्चे चलो टूटेगा तब देखा जाएंगे, भाई अगर उसमें ज़रा सा भी अगर ख़राबी है ना तो उसको उसी टाइम ही चेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक उपकरणों पर, यानी कि जो भी आपके लिफ्टिंग उपकरण है ना, अगर एक वज़न होता है कि इतने इतने किलो तक जो है इसका भार सहन कर सकता है, तो उससे ज़्यादा उसके ऊपर ओवरलोड ना करें, इससे जो है टूट सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे हैं दोस्तों, सड़क पर चलने एवं सड़क पर वाहन परीक्षण की अनुमति। देखिए दोस्तों, सड़क पर चलने वाले जो भी वाहन होते हैं, चाहे टू व्हीलर होते हैं, फोर व्हीलर होते हैं, इनके लिए जो है ये कानून बनाया गया है, ठीक है। तो जो भी वाहन आपको जो है रोड पर बिना जो है मतलब RTO जो होती है दफ्तर, उससे जो है इजाज़त लेना ही पड़ता है, उसके बिना जो है आप लोग नहीं चला सकते। तो जो भी वाहन आप नहीं ख़रीदते हो, तो उसको गाड़ी को जो है रोड पर दौड़ाने के लिए ना, सबसे पहले जो है हर एक ज़िले में दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला, हर एक ज़िला, ठीक है, इंडिया में जितने भी ज़िले हैं सब में क्या किया गया है, एक RTO दफ्तर की जो है व्यवस्था की गई है, जिसके मदद से आप लोग जो भी गाड़ी लेते हो, ठीक है ना, तो उसकी RTO में पहले जो है परमिशन देनी होती है कि हमने ये गाड़ी ली है, उसका जो है सारा कुछ जो है बतानी होती है, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ जो है RTO से जो है आपको जो भी कागज़ वगैरह होती है वो बन जाती है, ठीक है, चाहे वो नंबर प्लेट की व्यवस्था हो या अदर इंश्योरेंस वगैरह की हो, तो सारा कुछ आपको करने के बाद ही आप गाड़ी को जो है रोड पर दौड़ा सकते हो। बिना नंबर प्लेट के नहीं दौड़ा सकते, वो कानूनी अपराध होता है, ठीक है ना, उसके दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। बिना नंबर प्लेट के आप गाड़ी चलाओगे तो वो भाई अपराध है ना। तो बिना अनुमति के आप कोई भी वाहन को जो है रोड पर नहीं चला सकते, अनुमति लेना पड़ेगा, उसके लिए एक व्यवस्था की गई है, हर एक ज़िले में एक जो है RTO दफ्तर की जो है व्यवस्था की गई है। और इसके बाद दोस्तों, कोई भी अगर आप 2 साल में, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपने एक जो है मोटर व्हीकल ख़रीदा है, ठीक है, 2 साल में प्रत्येक जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहाँ से प्राप्त करना होगा कि हाँ हमारी गाड़ी बिल्कुल सही है, ठीक है, या हर 2 साल में जो है ये चीज़ करानी होती है फिटनेस का, ठीक है। हर 2 साल में आपने जो भी गाड़ी खरीदी है उसका हर 2 साल में जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है फिटनेस का, ठीक है, वो सर्टिफिकेट लेनी होती है, वो RTO दफ्तर से ही बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक थी जो कि कवर करा दिया मैंने, सड़क पर चलने एवं सड़क पर वाहन परीक्षण की अनुमति। तो अनुमति भाई जब ही मिलती है, जब RTO दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर सारे कागज़ वगैरह जो है आप लोग दिखाते हो, वहाँ से नंबर प्लेट जो है आपको मिलता है, उसके बाद ही जो है आप गाड़ी को चला सकते हो, बिना जो है नंबर प्लेट के दंडनीय अपराध है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों।